जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों मेरे हाथ में Realme 9 Pro डिवाइस रिसेंटली लॉन्च हुआ है ST695 6nm प्रोसेसर के साथ। और इस डिवाइस में दोस्तों डब्बा खोल के अनबॉक्सिंग तो फिलहाल हम नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे आपको Realme 9 Pro के सारे फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा एंड ओपिनियन मैं अपनी बता दूंगा कि आपको ये मोबाइल परचेस करना चाहिए नहीं या फिर किसी और डिवाइस का वेट करना चाहिए। दोस्तों Realme 9 सीरीज़ के जितने भी मोबाइल मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह के कैमरा मॉड्यूल वाले देखने को मिलेंगे। बैक में आपको जो है 3 कैमरा मिलता है, 64 प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे माइक्रो सेंसर मिलता है। 2 मेगापिक्सल कब यहाँ पे Realme हटाएगा अभी यहाँ पे नहीं बता सकते, लेकिन फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का वही कैमरा मिलता है। थोड़ा सा पंच होल जो है आपको बड़ा सा देखने को मिलेगा और यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो जो चिन है ये भी आपको काफ़ी मोटी तगड़ी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पे जो है लुक गड़बड़ कर देता है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 6.6 इंचेस का एक FHD+ LCD डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पे आपको जो है एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता। प्रो सीरीज़ में हमेशा से एमोलेड डिस्प्ले मिलता है बट यहाँ पे रियलमी ने इसे जो है अभी ड्रॉप आउट कर दिया है। ड्राइन प्रो प्लस जो है उसमें आपको एमोलेड मिलता है। तो इस तरह से कुछ डिस्प्ले आप देख सकते हो काफ़ी बेहतर यहाँ पे मिलता है बट जो चिन अगर रियलमी छोटी सी कर देता तो काफ़ी और अच्छा हो जाता। डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है 400 निट्स की है, मीन्स दोस्तों यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है आप डे लाइटिंग कंडीशन में इस मोबाइल को यूज़ कर रहे हो। एंड यहाँ पे अगर बात करें रिफ्रेश रेट की तो 128 रिफ्रेश रेट इसमें मिल जाता है। सिस्टम ओएस के बारे में बात करें तो इसमें Realme OS 3.0 का ऑफिशियली स्टेबल अपडेट मिल जाता है जो कि एंड्रॉयड 12 पे बेस्ट है। यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट भी रखा हुआ है, आप देख सकते हो 520 MB का। इसके रिगार्डिंग जो रिव्यू वीडियो आपको इस चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगा। रैम को बढ़ाने वाला फीचर जिसे हम वर्चुअल रैम बोलते हैं, यहाँ पे Realme ने इसे रैम एक्सपेंशन का नाम दिया है। 5 GB तक जो है रैम आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ये फीचर इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा रिफ्रेश रेट के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको 120Hz हाईएस्ट रिफ्रेश रेट मिलता है बट ऑटो में रखेगी तो बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा देर तक चलेगी। Realme UI 3.0 का नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह से मिलता है एंड मीडिया आउटपुट पे अगर आप टैप करते हो तो जितनी भी मीडिया ब्लूटूथ के थ्रू जुड़ी हुई है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। गूगल फीड इसमें मिलता है। यहाँ पे जो ग्लांस वाला फीचर है अभी फिलहाल नहीं दिया गया है, गूगल फीड से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। एंड स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन मिल जाता है Realme UI 3.0 का लेटेस्ट, जिसमें आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ऐप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। होम स्क्रीन लॉन्ग टैप करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ स्टॉक वॉलपेपर मिल जाते हैं एंड कुछ लाइव वॉलपेपर, जिसमें सारे मोस्टली यहाँ पे आपको ओल्ड ही मिलते हैं। कुछ नया ऑप्शन मिलता है इन्वेंटिव वॉलपेपर का, जिसे आप अपनी इमेज से को पिक करके इसे वॉलपेपर में कन्वर्ट कर सकते हो। आर्ट प्लस आइकॉन का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप जो है आइकॉन के साइज से चेंज कर सकते हो। साथ ही में आपको लेआउट का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप लेआउट चेंज कर सकते हो। इसके अलावा 3 तरह के डार्क मोड आपको मिल जाते हैं जो कि Realme 2.0 में भी मिलते थे। यहाँ पे इनहेंस मीडियम एंड जेंटल का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसे आप अपने मोबाइल में रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों गूगल डायरेक्ट मिलता है जो कि काफ़ी अनोइंग सा है। इसके रिगार्डिंग बहुत से यूट्यूबर फेक वीडियो बना रहे हैं और आपको बता दूं Realme UI 3.0 एंड्रॉइड 12 में अभी भी कोई सक्सेसफुल मेथड नहीं मिली है। जब भी मिलेगी आपके साथ जरूर से शेयर करूंगा। फ़ोन मैनेजर का लेटेस्ट ऐप मिल जाता है, जिसमें एंटीवायरस क्लीनअप ऐप आपको इंडिया के अकॉर्डिंग मिल जाता है एंड वेरियस टूल भी आपको इसी एक ऐप में मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा गेम स्पेस का यहाँ पर आप वर्जन देख सकते हो 1.2 वाला, लेकिन इस गेम स्पेस पे आपको वॉइस चेंजर का काम नहीं मिलेगा, वर्क नहीं करेगा। इस मोबाइल में मैंने 3.1.1 लेटेस्ट गेम स्पेस इंस्टॉल किया जो कि Realme 8 का है, उसमें भी वॉइस चेंजर वर्क नहीं कर रहा है। मे बी OTA अपडेट के थ्रू Realme से फिक्स कर दे बट फिलहाल के लिए अभी ये वर्क नहीं कर रहा है। थीम स्टोर का 8.2 वाला वर्जन मिलता है जो कि एक लेटेस्ट वर्जन है बट मोस्टली थीम यहाँ पर जो है आपको पेड ही मिलती है। अब आते हैं दोस्तों कैमरा सेक्शन में। सबसे पहले आपको नाइट का ऑप्शन मिलता है। नाइट साइड बहुत ही तगड़े तरीके से इस बार वर्क कर रहा है, ये आप देख सकते हो सैंपल, जिसमें नाइट साइड मैंने यूज़ नहीं किया है बट इस सैंपल में देख सकते हो आप, मैंने नाइट साइड यूज़ करके फोटोग्राफी की है और बहुत ही तगड़े तरीके से बहुत ही अच्छी डिटेलिंग के साथ जो है नाइट साइड अभी इसमें वर्क कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी का ऑप्शन भी मिल जाता है। सेटिंग सेक्शन में अंदर जाके आप इससे डायरेक्टली यहाँ से
सेटिंग सेक्शन में आप इसके शॉर्टकट को इनेबल कर सकते हो, और जैसे ही मोबाइल ऑफ होगा वॉल्यूम डाउन बटन को डबल टैप अगर आप करते हो तो डायरेक्टली कैमरे के अंदर स्ट्रीट मोड में आप पहुंच जाओगे और बहुत ही क्विकली तरीके से स्ट्रीट फोटोग्राफी आप कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, चाहे वीडियो हो या फोटो, आपको मैक्स टू मैक्स 6x का ऑप्शन मिलता है, एंड वीडियो में भी आप 720p में आप 30 एंड 60 fps पे तो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट 180p में आप देख सकते हो 60 fps का ऑप्शन ऑफ है, आपको ओनली 30 fps का ऑप्शन मिलता है। तो भाई रियलमी को इसे यहाँ पे फिक्स करना चाहिए। इसके अलावा जो वीडियो के लिए फ़िल्टर्स हैं, जो डिमांडेबल फिल्टर है जो कि रियलमी 8 प्रो में प्रोवाइड किए थे, इसमें मिलते हैं। फ़ोटो में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 6x जूम का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि नॉर्मल फ़ोन में हमको 10x का ऑप्शन मिलता था, बट यहाँ पे 6x का, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट यहाँ पे इसे फिक्स किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टू मैक्स 10x तो मिलना ही चाहिए। यहाँ पे अगर पोर्ट्रेट देखेंगे तो पोर्ट्रेट में भी जो फ़िल्टर्स हैं, जो कि डिमांडेबल फ़िल्टर्स हैं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रियलमी 9 प्रो में हमने देखा था कि फ्रंट में भी आपको फ़िल्टर मिलता था इस टाइप का, बट यहाँ पे फ्रंट में आपको ये फ़िल्टर नहीं मिलते हैं। इसके अलावा 64 मेगापिक्सल का अलग से ऑप्शन मिल जाता है, एंड मोर के ऑप्शन में आप जाओगे तो ड्यूल व्हील फोटोग्राफी का जो ऑप्शन है, स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर स्टेरी मोड वाला ऑप्शन है, सारी कुछ आपको ऑप्शन मिलते हैं। टिल्ट शिफ्ट फोटोग्राफी आप कर सकते हो, इस पेंसिल को टिक करके यहाँ पे आप जो है रीअरेंज कर सकते हो फीचर्स को। स्लो मोशन मुझे उतना कुछ खास यहाँ पे इस मोबाइल का नहीं लगा है, ना ही यहाँ पे कुछ ऑप्शन सेटिंग के अंदर मिलते हैं कि हम FPS कम ज़्यादा कर सके, ओनली स्लो मोशन का ही ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। वैसे दोस्तों स्ट्रीट मोड में आपको बहुत सारे फिल्टर्स भी मिल जाते हैं, बट अच्छी बात यहाँ ये है कि लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो लॉन्ग एक्सपोजर का ऑप्शन आपको अवेलेबल है। यहाँ पे आप नाइट स्ट्रीट फोटोग्राफी कर सकते हो, लाइट पेंडिंग फोटोग्राफी कर सकते हो, डायरेक्टली आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, कैमरे के प्रो मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सब कुछ सेट है, बस आपको टैप करना है, थोड़ी देर वेट करना है, फोटो का रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। वैसे दोस्तों इस मोबाइल के कैमरे के रिगार्डिंग बहुत जल्दी रिव्यू आपको मिलने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर रखिएगा। इस मोबाइल का जो पर्सनलाइजेशन सेक्शन है उसमें आपको सारे ओल्ड वाले ही फीचर मिलेंगे भाई, जो कि रियलमी यू 2.0 में मिलते हैं। AOD कस्टमाइजेशन का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलता है। वैसे प्रो सीरीज़ में AMOLED डिस्प्ले देना चाहिए था, क्योंकि रियलमी प्रो का जो रेट है भैया वो काफ़ी हाई फाई है। इस तरह से दोस्तों आप नोटिफिकेशन के पैनल के जो शेप वगैरह साइज़ वगैरह से चेंज कर सकते हो, उसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कस्टम कलर्स के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये सारे जो ऑप्शंस हैं आपको ओल्ड वाले ही मिलते हैं। आप चाहो तो आपके वॉलपेपर से भी कलर पिक करके जो है सारे सिस्टम में अप्लाई कर सकते हो, वेरियस ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं जिसे आप चेकआउट कर सकते हो। आइकॉन पुल डाउन जेस्चर वाला फीचर, जिसे वन हैंडेडली आप किसी भी मोबाइल को हैंडल कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे ग्लांस फॉर रियलमी का नया फीचर है, जो कि लॉक स्क्रीन में आप लगा सकते हो, गेमिंग वगैरह यहाँ पे शॉर्टली आप कर सकते हो, ये फीचर भी यहाँ पे मिल जाता है। साउंड एंड वाइब्रेशन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे अगर हैप्टिक एंड टोन के ऑप्शन में जाओगे तो भैया ये हैप्टिक फीडबैक मोटर इसमें नहीं लगी हुई है, ZX6 लाइनिंग मोटर, यहाँ पे नॉर्मल मोटर ही लगी हुई है, तो ज़्यादा उम्मीद इससे मत करिएगा, 4D वाइब्रेशन वजह से ऑप्शन नहीं मिलेंगे। एड ऑन का ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आप ऑन करते हो तो माइक वगैरह यूज़ करते हो तो काफ़ी क्लियर वॉइस यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे रियलमी यू 3.0 का एक अच्छा सा फीचर आपको बता दूँ, नोटिफिकेशन स्टेटस बार के अंदर, स्टेटस बार के ऑप्शन में बैटरी स्टाइल जो है आप चेंज कर सकते हो। रियलमी यू 3.0 में बहुत ही कम डिवाइस में ये अपडेट आया है, एंड बहुत से यूज़र्स को नहीं पता है। तो इस तरह से दोस्तों आप सर्कल वगैरह में करके अपने जो बैटरी आइकॉन है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, नोटिफिकेशन जो है अपने स्टाइल से मैनेज कर सकते हो। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन में आपको लॉक के जो है आप देख सकते हो फेस फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, इस तरह से आप प्रोटेक्शन इसमें दे सकते हो। एंड जो ऑप्शन आपको मिलता है सेफ्टी एंड इमरजेंसी वाला, इसमें भी आप देख सकते हो वेरियस इमरजेंसी सेफ्टी ऑपरेशन जो है यहाँ पे अवेलेबल है, जिसे आप समय पर यूज़ कर सकते हो। प्राइवेसी डैशबोर्ड का अलग से एक ऑप्शन मिलता है, एंड्रॉयड 12 का डिफॉल्ट फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है। यहाँ पे लोकेशन कैमरा माइक्रोफोन जो भी ऐप आपका एक्सेस कर रहा होगा उसकी सारी डिटेलिंग आपके पास आ जाएगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐप आपका डाटा एक्सेस कर रहा है। बैटरी सेक्शन को बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया गया है रियलमी यू 3.0 में। तो भाई यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ ऑप्शन देखोगे तो जो जो ऐप यहाँ पे ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग कर रही है उससे रिलेटेड, या फिर ऐप जो आपकी बैटरी है मोबाइल की उसे बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सारी कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। क्रॉप का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। लैब के अंदर आपको वही पुराने फीचर ही मिलते हैं।
दोस्तों, इस मोबाइल का आफ्टर 10 डेज बाद जो रिव्यू है चैनल पे अवेलेबल है, जरूर से देखिएगा। सारी डिटेलिंग के साथ ये वीडियो मैंने बनाया है एंड आपको इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा कि ये मोबाइल लेना चाहिए नहीं। इस मोबाइल में आपको SD695 वाला प्रोसेसर मिलता है, जिसका एंटी टू बेंचमार्क स्कोर आप देख सकते हो 388,000 के आसपास है। 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 33 वाट का फास्ट चार्जर, बट आपको बता दूं ये इतना भी फास्ट नहीं है। 1 hour 30 minutes लग जाते हैं, 1.5 घंटा लग जाता है इसे फुली चार्ज करने में। तो अगर से आपको ऐसा लगता है कि 33 वाट का चार्जर है, अंडर 1 hour ये चार्ज कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका चार्जिंग टेस्ट हमने किया है, चल उसे देखिएगा। पबजी गेम इसमें 40 FPS पे रन हो जाता है एंड स्मूथ के साथ आपको अल्ट्रा का ऑप्शन मिलता है। अगर दोस्तों इस मोबाइल की थिकनेस के बारे में बात करो, थोड़ा सा ये मोबाइल जो है आपको मोटा दिखेगा। यहाँ पे 8.5 mm की थिकनेस है एंड अगर वेट के बारे में बात करो तो वेट जो है इसका 195 ग्राम है। थोड़ा सा ये मोबाइल जो है आपको हेवी लगेगा, बट ओवरऑल दोस्तों जो वेट कंट्रीब्यूशन किया गया है उस हिसाब से आप इसे अच्छे से कैरी कर सकते हो। बट अगर आप एक हल्का फुल्का स्लीमेस्ट मोबाइल चाहते हो तो आपको इस मोबाइल के साथ नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा ये यहाँ पे मुझे हेवी लगा है। इसके अलावा दोस्तों इस डिवाइस में आपको CAM2 API का सपोर्ट मिलता है, यानी गूगल कैम जो है आप अलग से इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, सपोर्ट आपको मिल जाएगा। काफी अच्छी फोटोज भी इसमें आती है। वैसे गूगल कैमरे के रिगार्डिंग Realme 9 Pro में आपको इंस्टॉल करना है तो वो वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, चैनल पे अवेलेबल है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें वाइडलाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है। HD हाई HD रेजोल्यूशन वाले जो वीडियो हैं आप इसमें देख सकते हो। भाई बात करें प्राइसिंग के बारे में, क्योंकि प्राइसिंग यहाँ पे जो है अगर सस्ता होता मोबाइल तो काफी अच्छा होता, बट मुझे थोड़ा ये मोबाइल कॉस्टली लगा है। 18,000 की कीमत में आपको 6128 जो वाला वेरिएंट मिलता है, 8GB 128GB वाला वेरिएंट जो है आपको 21,000 के आसपास मिलता है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस के अकॉर्डिंग ये मोबाइल जो है मुझे थोड़ा सा महंगा लगा है, क्योंकि प्रोसेसर जो है उतना हाई लेवल का नहीं है। यहाँ पे अगर मैं अपने ओपिनियन के बारे में बात करूँ कि इस मोबाइल को आपको लेना चाहिए या नहीं, अगर आप वैसे दोस्तों इस मोबाइल के जितने भी मैंने टेस्ट किए हैं ठीक ठाक ही यहाँ पे रिजल्ट आया, स्पीड टेस्ट वगैरह, एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर वगैरह सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक ही मिल जाता है, उतना कोई हायर यहाँ पे वेरिएंट नहीं है। बट अगर आप वेट करना चाहो तो Realme 9 का वेट कर सकते हो, जिसमें Dimensity 810 वाला प्रोसेसर आने वाला है, जो भी एक 5G मोबाइल होने वाला है। तो अगर इससे कंपैरिजन करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि वेट करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे इस डिवाइस की ऐसी लगी जो कि हाई वेरिएंट की होनी चाहिए थी, बट Realme ने इसे प्रोवाइड नहीं किया है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल रिव्यू Realme 9 Pro डिवाइस का। एंड अगर आपने इस डिवाइस को परचेस किया है तो क्या कितना स्कोर, क्या ऐसी ये डिवाइस वर्क कर रही है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताएगा। जैसे इस डिवाइस के रिगार्डिंग और भी बहुत से वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। एंड आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बोलते रहिए, वंदे मातरम।